व्यूअर्स जिस तरह क्वालिटी जो है ज़िंदगी के हर शोबे में इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी वर्क ऑफ लाइफ इसी तरह ये डेटा साइंस के लिए डेटा की क्वालिटी के लिए डेटा की रिपोर्टिंग के लिए क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है बल्कि इसमें ये इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारी जो डिसीजन मेकिंग होती है दैट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा यू हैव यू नो द डेटा सेट इज़ विच इज़ अवेलेबल टू यू फॉर एनालिसिस दैन उसके ऊपर जो आप जो और जैसे कोई स्टेटिस्टिकल मॉडल अप्लाई करते हैं कोई इनरिचमेंट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इन सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करते हैं। तो इसलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि हमने जो डाटा की क्वालिटी है उसके क्या पैरामीटर्स एक तो देर सर्टन पैरामीटर्स टू मेक श्योर कि क्वालिटी जो है डाटा की उसको हम किस तरह से मेनटेन कर सकते हैं या उसका जो क्वालिटी का लेवल है उसको हम अटेन कैसे करेंगे और फिर पहले तो उसको अटेन करना है क्वालिटी का लेवल उसको डिफ़ाइन करना है फिर उसको मेनटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि वो जो डेटा है वो उसको हमने एक दफ़ा तो प्रोसेस नहीं करना इट इज़ एन आईटीरेटिव प्रोसेस वी ऑलरेडी डिस्कस के उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसकी जो क्वालिटी है उसको मेनटेन करें और जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है जो भी डिसीजन मैनेजमेंट करती है या जो लोग भी डेटा की ऑडियंस है जिन्होंने एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग इज़ बेसिकली द डिसीजन विच द स्टेक होल्डर्स मेक ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल और इन्फॉर्मेशन या जो डाटा डेटा अवेलेबल है और अब अगर वो जो डाटा है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी जो आपने उसके ऊपर जितने भी वो डाटा रेंगलिंग के दौरान हमने देखा जो प्रोसेस हमने वो परफॉर्म किए हर परफॉर्मेंस जो है हर क्वालिटी की वो अगर अच्छी होगी उसकी क्वालिटी तो फिर आपका जो एंड में जो डिसीजन मेकर है इट विल मेक देयर लाइफ ईजी एंड दे विल बी एबल टू मेक बेस्ट डिसीजनस राइट तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि ये जो क्वालिटी है ना दिस इज नॉट दिस एन एंड प्रोसेस एंड मीन जितने स्टेप इन्वॉल्व है हर स्टेप पे आपने क्वालिटी को मेंटेन रखना है और आई शेयर विद यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि अगर आपके फर्ज करें इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास छः स्टेप हैं अगर हर स्टेप पे एंड आई री आईटीरेट यू हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज दिस इज एन एंड प्रोसेस आई विल डू दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस देन आई विल गेट दी फाइनल प्रोडक्ट लेकिन अगर मेरे को अच्छा यार मैंने तीन प्रोसेस अच्छे कर लिए हैं और एक को मैं करूँ या ना करूँ तो देट विल नॉट हैल्प यू इट विल नाट वर्क एंड देट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल तो आप इसकी एग्जाम्पल इस तरह से देखें कि क्वालिटी के पैरामीटर में अगर छः स्टेप है एंड यू हैव टू गिव हंड्रेड परसेंट राइट ओनली देन यूर एंड प्रोडक्ट विल बी हंड्रेड परसेंट जस्ट इमेजिन आप अगर कहते जी मैं ये जो छः स्टेप है हर एक में मैं, अगर मैं नाइन्टी परसेंट भी अपनी जो इनपुट है या जो मेरी जो वैल्यूडेशन है इफ़ दैट इज़ नाइनटी परसेंट तो इमेजिन करें कि वो जो नाइन्टी परसेंट है आफ्टर यू नो कम्प्लीटिंग सिक्स प्रोसेस अगर हर बंदा जो छः स्टेप है जो हर स्टेप है उसकी जो वैल्यूडेशन है दैट इज़ नाइन्टी परसेंट इंस्टेड ऑफ हंड्रेड तो वो आपकी जो एंड प्रोडक्ट है दैट विल भी लेस दैन सिक्सटी परसेंट एकूरेट क्योंकि एज आई सेट कीप इन माइंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ लाइफ लॉन्ग लेसन फॉर यू टू लर्न कि दिस इज एन एंड ऑपरेशन दिस एंड दिस एंड दिस इस तरह से ये चीज काम करी तो यू हैव टू मेक श्योर कि हर प्रोसेस जो है वो उस पर आपने हंड्रेड परसेंट अपना जो है एफर्ट या इनपुट देनी है ताकि जो आपकी जो एंड प्रोडक्ट है अगर कहीं पर थोड़ी बहुत कमी पेशी हो भी जाए तो स्टिल इट शुड बी मोर देन नाइन्टी नाइन्टी फाइव परसेंट एकूरेट राइट तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर आपके लिए अंडरस्टैंड करना अब इसमें जो हमने छः डिफरेंट एरियाज़ है कि डाटा हैज़ टू तो बी कंसिस्टेंट इट हैज़ टू तो बी एक्यूरेट इट हैज़ टू तो बी वैलिडेटेड फिर इसके अंदर कंप्लीटनेस है यूनिकनेस है टाइमलीनेस है तो ये सारी चीज़ें बहुत ही क्रिटिकल है एंड द मैटर अलॉट मैं थोड़ा इन सारी चीज़ों को आई ट्राई टू यू नो हाईलाइट अ लिटल बिट ताकि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डाटा की क्वालिटी को मेनटेन करने के बारे में वो Uh, वो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें एक कम्प्रीहशन आपकी उसमें डेवलप हो जाए एंड देन टमोारो इनशाला यू विल बी एबल टू अप्लाई दीज टेक्निक्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ तो जो डाटा कंसिस्टेंसी है देखिए अब डाटा के इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी का मतलब है कि बार बार जो एक चीज़ हो रही है उसको एक ही तरीके से होना है ये नहीं हो सकता एक दफ़ा आपने उसको एक तरीके से कर लिया दूसरी दफा आप दूसरे तरीके से कर लिया या अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखें कि एवरी टाइम यू हैव टू गिव योर हंड्रेड परसेंट जो आपने प्रोसीजर लिखा है जो आपका ई का प्रोसेस है जो आपका एनरिचमेंट का प्रोसेस है दैट प्रोसेस हैज़ टू बी हंड्रेड परसेंट एक्ट ताकि वो जो है आपको जो उसके अंदर आपको जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है जो डिज़ायर्ड क्वालिटी आप उसको मेनटेन कर सकें फिर आपकी जो ट्रांजेक्शन हैं जो आपकी एप्लीकेशन देखिए डेटा जो प्रोड्यूस हो रहा है ना इट इज़ प्रोड्यूस थ्रू एन एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन कह रहे हैं हमने ये पिछले मॉड्यूल में देखा कि जो डे डेटा के अंदर जो कोई अनोमलीज़ आती है इनकनसटेंसीज आती है वो बेसिकली दे आर कमिंग फ्रॉम दी सोर्स सिस्टम जो सोर्स एप्लीकेशन है जहाँ पे वो लोग मैनुअल डाटा एंटर कर रहे हैं या वो कोई किसी और जैसे ऑटोमेटिक डाटा प्रोड्यूस हो रहा है और सम टाइम दैट इज़ नॉट नेग्लिजेंस दैट इज़ लिमिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम कि वो डाटा आपको मिलना ही ऐसे है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब हमने डेटा अपना इंजेस्ट करना है एक्सट्रैक्ट करना है तो वी मेक श्योर के जो उसकी जो रेंगलिंग के दौरान वी मेक श्योर के हम उसकी जो है प्रॉपर केयर करें उसकी प्रॉपर मसाजिंग करें और उसको इस काबिल करें कि वो हमारे डाटा की जो क्वालिटी है उसके मुताबिक उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक हम उसको यूज़ कर सकें जो डाटा डे, डेटा है बेसिकली ये मैं आपसे नेक्स्ट भी एक और स्लाइड में भी शेयर करूँगा कंप्लीटनेस का मकसद क्या है और इसका मतलब क्या है कम्प्लीटनेस यही है कि जो आपके पास देखिए जो कम्प्लीटनेस है ना इट कैन बी फॉर जस्ट वन कॉलम और वन सेल वन रिकॉर्ड वन फाइल वन डेटा बेस वन सेट डेटा सेट वन टेबल इट कैन बी एनी थिंग राइट तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये सारी चीज़ें जो इनको कंप्रीहेंड करना फिर उनको डाइजस्ट करना रिप्रोड्यूस करना उनको यूज़ करना एट एन अप्रोप्रीट टाइम टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर आवर इन योर प्रोफेशनल लाइफ राइट तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को समझें कि ये जो डाटा की एक्यूरेसी है कम्प्लीटनेस है इसका मतलब क्या है इसका मकसद क्या है राइट right? तो अब आपने जो डाटा की एक्यूरेसी है वो आपने मेक श्योर sure करना है कि डाटा आपका एक्यूरेट है अभी वो अगर वो आप जो एक्सेल शीट मैंने आपके शेयर के साथ शेयर की थी उसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो अगर वो जेंडर का कॉलम मिस है या डेट की फॉर्मेट ठीक नहीं है या एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनिना ये डाटा को जब आप एनालाइज करेंगे ना तो बहुत सारी सिचुएशन में अभी हम बैक एंड के डाटा की बात करें वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वट वी आर लुकिंग एट राइट ये भी एक आपने ना अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन एंड पॉइंट टू अंडरस्टैंड एक डाटा हुआ है जो हमें नज़र आ रहा है फ्रंट एंड से एक वो डाटा जो कि डेटा में स्टोर है मे बी इन बाइनरी फॉर्मेट या किसी और फॉर्मेट में तो उसके अंदर भी डिफरेंट चीज़ें होती एक चीज़ होती है जिसे फ़र्ज़ करें कि आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि बिट क्या है बाइट क्या है और रिकॉर्ड क्या है यू you नो know, ये सारा तो वो उसके अंदर कोई चेक डिजिट होता है कभी कोई पैरिटी बिट होती है और ये वो चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ डेटा की क्वालिटी या उसका विद इन डेटा है जहाँ पर हम उसको स्टोर करें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको जो है ना वो करते बट इट डज़ नॉट हैव एनी एनालिटिकल वैल्यू या उसकी कोई इस तरह की वैल्यू नहीं होती तो ये चीज़ें भी आपने अंडरस्टैंड करनी है कि चेक डिजिट क्या है वो जो पैरिटी बाइट है वो क्या चीज़ है तो जब आप बैक एंड को देखेंगे तो फ़र्ज़ करें आप बार कोड की आप एग्जांपल ले लीजिए आप सुबह शाम चीज़ें ख़रीदते हैं आप देखते हैं कि चीज़ों के ऊपर बार कोड होते हैं और जो बार कोड होता है दैट इज़ एक्चुअली रेप्रजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट कि अगर आप एक वो जो कोल्ड ड्रिंक का कैन खरीद रहे हैं तो वो जो बार कोड है उसका वो पूरा बताता है अगर आप कोई टी शर्ट ख़रीद रहे हैं कोई शर्ट खरीद तो बार कोड इज़ अ कम्प्लीट रेप्रजेंटेशन तब के वो बेसिकली है क्या कि वो टाइम सेव करना है अगर आप वो पूरा एंटर करेंगे तो इट विल टेक मे बी वन और टू मिनट अगर आप स्कैन करते हैं इट विल जस्ट क्लिक मे बी फ्यू सेकेंड्स तो बेसिकली ये इसका ये मकसद लेकिन जो बार कोड की पिक्चर है इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग ये इसको हम किसी और एरिया में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल में बट दिस इज़ जस्ट टू यू नो एजुकेट यू ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग और ये बड़ी क्रिटिकल है डाटा दे, दे, इंजीनियरिंग में कि जो डाटा नज़र आ रहा है आपको और जो वो हार्डवेयर लेवल पे स्टोर है दे कैन बी डिफरेंट इसके अंदर वो डिफरेंट जो होते हैं करेक्टर सेट होते हैं आस्की है आपका जो डेसिमल है ऑक्टोन देर सो मैनी थिंग्स बेसिकली तो वो अभी जस्ट पार्क ऑल दीज वर्ड्स ये जो अभी मैंने कहे हैं लेकिन जस्ट कीप इन माइंड कि ये कभी भी आपके सामने ये चीज़ें आ सकती हैं कि आपने इनको किस तरह से फिर हैंडल करना है किस तरह से इनको आपने मैनेज करना है फिर डाटा की यूनिकनेस कई दफ़ा ये होता है कि एक जो रिकॉर्ड है वो दो दफ़ा डाटा बेस में आ जाता है ड्यू टू कम्युनिकेशन एरर नेटवर्क एरर किसी भी वजह से तो वो आपने इंश्योर करना कि आपका डेटा आपका यूनिक हो और जो बहुत सारा डाटा जो ख़ास तौर पे वैसे तो जो भी डाटा हम सिस्टम में स्टोर करते हैं ना बेशक किसी एप्लीकेशन से आए या किसी ऑपरेशन के थ्रू आए उसके साथ एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं टाइम स्टैम्प दैट टाइम स्टैम्प इज़ एकट टू आपके जो मिली सेकेंड तक जो है ना वो एक्ोरेट होता है तो उसमें ये चांस नहीं होता और सिस्टम आपका वो तो नैनो सेकेंड पर या शायद उससे भी कोई सी जो है ना नेक्स्ट लेवल पर ऑपरेट करता है तो उसमें फिर आपको ये पता होता कि जो टाइम स्टैम्प है ना दैट क्रिएट यूनिकनेस इन अ पर्टिकुलर डाटा सेट इन अ पर्टिकुलर डाटा रिकॉर्ड तो आपने यू हैव टू मेक श्योर और ये चीज़ आपके जो स्क्रिप्ट्स हैं इवन डाटा बेस के स्क्रिप्ट्स आपकी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उनके जो सिंटेक्स है उसमें आप ये टाइम स्टैम्प को बेसिकली दिस इज़ अ कंट्रोल टू यू नो स्टॉप द रेपिटीशन ऑफ द या डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड रेपिटेशन इज डिफरेंट बट डुप्लीकेशन इज सॉर्ट ऑफ एन एरर तो वो आपने मेक श्योर sure करना होता है कि आपके डाटा में किसी किस्म की डुप्लीकेशन ना आए और फिर डाटा की जो टाइमिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइमिंग बेसिकली आप देखिए कि हमारे पास बहुत सारी सिचुएशन में रियल टाइम डाटा आता है तीन तरह से बेसिकली डाटा हमारे पास आ रहा होता है एक होता है हिस्टोरिकल या बैच प्रोसेसिंग जो जिसके ऊपर हम अपना डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस परफॉर्म करते हैं ये हमने स्टेटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में जब हमने ये चीज़ें टच की तो वी वी हैव अंडरस्टैंड वी अंडरस्टूड कि ये क्या चीज़ें थी तो टाइम है जो डाटा का वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अगर मेरे पास रियल टाइम डाटा आ रहा है तो मैंने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है क्योंकि बिग डाटा के हदूब के ये चीज़ें भी हमने डिस्कस की हैं टू सम समस्टेंड तो वो वाले कॉन्सेप्ट फिर वहाँ पर यूज़ होते हैं अगर आपके पास रियल टाइम डाटा आ रहा है अगर आपके पास ऑपरेशनल डाटा आ रहा है जो कि फ़र्ज करें अभी सात सात ट्रांजेक्शन हो रही हैं और वो डाटा आ रहा है या वो आई का डाटा है इंडस्ट्री फोर जीरो का डाटा तो वो रियल टाइम आ रहा है उसको आपने कैसे मैनेज करना है अगर आपके पास जो वो डाटा बैचेस की सूरत में आ रहा है वो आपने कैसे मैनेज करना है और डाटा जो है आपके पास आप फ़र्ज़ करें वो जो लॉग फाइल्स हैं जो उनका भी आप एनालिस करते हैं तो ये तीन चार तरह का डाटा होता है लेकिन जो अनालिस है बेसिकली वो तीन तरह का है आपका जो आपका डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशियल फोरकास्टिंग इस तरह की चीज़ें जो कि आप इनको परस्पेक्टिव एनालिसिस भी अब इसके अंदर नए नए एंगल्स आ रहे हैं विच आर ऑल टच्ड बाई योर प्रोफेशन एज ए डेटा साइंटिस्ट तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना कि डेटा की जो क्वालिटी है इसके जो छः पैरामीटर्स हैं यू हैव टू मेक श्योर कि ये सारे के सारे आप इनको अंडरस्टैंड करें और मेक श्योर sure करें कि डाटा कम्प्लीट है डाटा एकोरेट है डाटा आपको टाइम पर मिला है और आपने जो उसकी जो यूनिकनेस है उसको भी आपने मेनटेन किया उसके अंदर कोई डुप्लीकेशन नहीं है अनोमलीज नहीं है जो नॉइजी डाटा है वो सारी चीज़ें नहीं हैं तो जो टाइम की एक, एक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइम का ये मै आई जस्ट कंक्लूड दिस मॉड्यूल आफ्टर शेयरिंग दिस देखिए होता है कि जो डिसीजन मेकर हैं या जो ऑपरेशन में लोग बैठे हैं ना उन एक टाइम पे उन्हें एक ख़ास इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है फ़र्ज़ करें कि आप एक स्टोर में काम करते हो आपने स्टॉक भेजना है अगले दिन की सेल के लिए तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि आपको सुबह ऑफिस शुरू होने से पहले आपके पास पता होना चाहिए कि मेरे कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जो मैंने डिस्पैच करने हैं तो ये एक टाइम की एग्जांपल है कि जो पिछले दिन की सारी सेल्स आपकी हुई हैं जो डिलीवरीज हुई हैं वो सब सिस्टम के अंदर वो अपडेट हो गई अगले दिन के जो ऑर्डर हैं बेस्ड ऑन अ सर्टन प्रोसेस वो दैट इज़ अगेन बियॉन्ड ओवर डिस्कशन कि वो किसी प्रोसेस के तहत आपके जो नई जो स्टॉक की रिप्लानिशमेंट होनी है या जो अगले सेल्स के ऑर्डर हैं उसके मुताबिक फिर आप अपने सारी जो डिलीवरीज़ हैं उनको प्लान करते हैं और फिर वो जो डिसपैचिज़ हैं वो होते हैं और ये डिस्पैचिंग और डिलीवरी प्लानिंग एवरीथिंग जो है ना ये एक कंप्लीट साइंस है और डेटा साइंस एनालिटिक्स इज एवरी वे ट्रस्ट मी लास्ट माइल डिलीवरी है ना ये जो आपकी इसमें जब हम डिलीवरी की बात करें तो दैट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल सब्जेक्ट इवन लास्ट माइल डिलीवरी इज अ मिलियन डॉलर सब्जेक्ट शायद उससे भी ज़्यादा राइट तो विद दिस वी कंक्लूड अवर डिस्कशन अबाउट द डाटा क्वालिटी एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट